नमस्कार, मैं दीपक और आप देख रहे हैं रुद्रा न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ करोलबाग की नाईवाला मार्केट में, जहाँ दिल्ली स्कूटर ट्रेडर एसोसिएशन के चुनाव चल रहे हैं और इस चुनाव के अंदर एग्जीक्यूटिव मेंबर पद की दावेदारी कर रहे दीपाराम चौधरी मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जान लेते हैं, सर क्या रणनीति है इन चुनावों को लेकर, किन मुद्दों को लेकर आप व्यापारियों के बीच जा रहे हैं? पहले तो मैं आप सभी दर्शकों का धन्यवाद करना चाह रहा हूँ रुद्रा न्यूज़ जी से, कि जो आप ये हमारे DSTA के कार्य करने के चुनाव हो रहे हैं, जो आप यहाँ ग्राउंड लेवल पे आप पधारे हैं, इसलिए आप सभी का तहे दिल से मेरा शुक्रिया अदा है कि आप ग्राउंड लेवल भी न्यूज़ इतना पॉपुलर है कि आप यहाँ तक पहुँचे हैं। अब रही बात हमारे विजन की, तो हम दीपाराम चौधरी और एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए खड़ा हुआ हूँ और आप सभी से आग्रह ये कराऊँ कि हमारा बेल्ट नंबर 2 है, तो हमारे सतपाल जी गिरधर जी की टीम से मैं खड़ा हूँ और हमारे भारी मतों से विजय बनावे सा हमारी पूरी टीम को। मैं पूर्ण रूप से ये अपील करता हूँ सभी लोगों से कि मैं निश्चित रूप से मैं विश्वास दिलाता हूँ कि कार्यक्रम को भी हम आगे बढ़ाएंगे। और हमारी मार्केट की मेन समस्याओं तो ये हैं, पहले तो हमारे जो रोड है, जो पटरियों 10-10 फुट की बढ़ा दी है, उसकी हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम उसको कम से कम कटिंग करवा के कम करवाएं, ये हमारा पहला निर्णय रहेगा। दूसरा हमारा एक है कि बिल्टियों के चार्जेस 50 रुपये से लगा के 150 रुपये तक है, तो वो बिल्टियों के चार्ज हम कोशिश करेंगे कि हम उसको पूर्ण रूप से मिनिमम प्राइस में लाए। और मार्केट में एक ट्रॉफिक की समस्या भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसको भी हम कोशिश करेंगे कि जो ट्रॉफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चले और किसी को आने जाने में कोई प्रकार की दिक्कत ना हो। और जो बाहर से व्यापारी आए हुए हैं, जैसे लोग आते हैं, तो उनके लिए साफ़ सफाई का भी एकदम रोड क्लीन कैसे बने उस पर भी हम काम करेंगे। अच्छा, आप प्रचार कर रहे हैं लगातार, व्यापारियों के बीच जा रहे हैं, समर्थन कैसा मिल रहा है, क्या लग रहा है? समर्थन तो दीपक जी आप इतना मिल रहा है कि भगवान, आप नवरात्रा चल रहे हैं, माता रानी की कृपा से सब लोगों का आशीर्वाद हमारे सेवक के रूप में मिल रहा है। हम DST के अंदर सेवा रूप के अंदर आए हैं और सेवा करने के लिए आए हैं, सेवक के रूप में आए हैं, तो सेवा करेंगे। हमारी प्यारी प्राथमिकता यही रहेगी सबके साथ। तक चुनाव आ रहे हैं, चुनाव को लेकर क्या अपील करना चाहेंगे व्यापारियों से, चुनाव वाले दिन किस तरीके से और किन मुद्दों को लेकर वोट करें? चुनाव से हम सभी लोगों को आग्रह यही कर रहे हैं कि हमारे को भारी मतों से विजय बनावे हमारे बेल्ट को पूरा, और हम आगे नए नए, जैसे कि कार्यकारिणी DST हमारे दिल्ली स्कूटर ट्रेडर्स एसोसिएशन है, वो बहुत पुराना है, तो हम चाह रहे हैं कि उसका बदलाव लाए और नए नए जोश पैदा आए और नई नई ऊर्जा आए, और नई नई ऊर्जा से मार्केट को भी फायदा है और आने वाले पॉपुलेशन को भी फायदा है, मार्केट के व्यापारियों के लिए भी। हमारे पास अगर मेरे को ये लाते हैं तो मेरी नई नई एनर्जी आती है 2 साल की, तो मैं दिल लगा के मैं भी काम कर सकूँ सेवा का मौका। अच्छा, एक अंतिम सवाल, लगातार 2 साल से व्यापारी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रहा है कोरोना से, किस तरीके से इस व्यापार को एक पटरी पर वापस लौटाएंगे, किस तरीके से मेहनत करेंगे इसको? मेहनत तो हम खूब कर रहे हैं वैसे भी, और यहाँ पे क्या है कि बाहर से लोग आते हैं कि, तो उसके लिए क्या है कि उसको व्यवस्था बनाई है रोड की, वो आने जाने के लिए जो व्यवस्था बनेगी, और यहाँ पे लूटपाट की जो समस्या पैदा हो रही है, तो वो भी हम कोशिश करेंगे कि ना हो, इसीलिए व्यापारी भी आ सके। तो आप देख सकते हैं, ये थे दीपाराम चौधरी जो लगातार फाइट कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव मेंबर पद के लिए और लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, व्यापारियों के बीच जा रहे हैं और अपने मुद्दे भी रख रहे हैं, और उनको समर्थन भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है, ये इनका कहना है। कैमरा पर्सन रोहन के साथ दीपक, रुद्रा न्यूज़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।